पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की समस्या से जल्द निराकरण के लिए यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एक प्रदेश स्तरीय कार्यदल का गठन करेगा। कर्नाटक में मांड्या जिले में आयोजित इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे यूपीडब्ल्यूजेयू के अध्यक्ष टीबी सिंह ने यह ऐलान किया। मांड्या बैठक में टीबी सिंह ने बताया कि यूपीडब्ल्यूजेयू प्रदेश में पत्रकारों के उत्पीड़न पर फौरन कार्रवाई करने और आवाज उठाने के लिए एक अलग से कार्यदल का गठन करेगा। ये कार्यदल पत्रकारों के सामने किसी तरह की परेशानी आने पर मौके पर जाएगा, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार कर उसे प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगा। प्रदेश नेतृत्व उक्त रिपोर्ट को सरकार के सामने पेश करेगा और समुचित कार्रवाई की मांग करते हुए पत्रकारों की दिक्कत को हल कराने का काम करेगा। कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरवंश सिंह ने कहा कि पत्रकारों के हकों की लड़ाई लड़ने का काम IFWJ पूर्ण रूप से कर रही है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के कार्य करने की दशा को बेहतर बनाने में IFWJ का बड़ा योगदान रहा है। IFWJ के प्रधान महासचिव परमानंद पांडे ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में भी संगठन अपने साथियों की बेहतरी के लिए सीमित संसाधनों के साथ काम करता रहा है और इसी दौरान श्रम कानूनों में हो रहे बदलावों पर पत्रकारों का पक्ष मजबूती से रखा है। संगठन के अध्यक्ष बीवी मल्लिकार्जुनैया ने कहा कि महामारी के दौर से उभरने के बाद जल्दी ही एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जाएगा और पत्रकारों की समस्याओं पर व्यापक चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। IFWJ के उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान तमाम पत्रकारों के सामने जीविका का संकट खड़ा हुआ है और मीडिया प्रतिष्ठानों की हालत खराब हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को पत्रकारों की दशा को सुधारने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और न्यू मीडिया को भी प्रोत्साहित करना होगा। खुले में कार्यक्रम हो, धूप में कार्यक्रम हो, वातानुकूलन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस कार्यक्रम की सदारत करने वो आ रहे हैं जिनकी तासीर बलिया की जो खास तासीर है उससे संबद्ध है। आदरणीय हरवंश जी, खाली दो बातें कहूँगा। अभी जब टोपियाँ पहनाई जा रही थी तो मुझे लगा कि बलिया के लोग टोपी पहनते नहीं हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड है, लेकिन टोपी के साथ जब हार पहनाया गया तो मैं खुश हुआ कि चलिए बलिया के लोगों को एक एक खसूसियत खासियत और एक अलग पहचान होती है। दुल्हा बनने का बड़ा शौक होता है, वाकई बता रहा हूँ। ये छवि अभी जो देखी वो दूल्हा प्रकार की थी। भगवान करे इस देश के प्रख्यात सुविख्यात पत्रकार आज जिस पद पर आरूढ़ हैं, यह पद अभी पर्याप्त नहीं है। हम तो खाली अपेक्षा करेंगे और आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में हम गर्व से कह सकें हिंदी भाषा के श्रेष्ठ पत्रकार को इस देश में श्रेष्ठ स्थान पर, जिसके सर्वथा योगा फें। क्योंकि इसका आयोजन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने किया, जेपी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी ने किया, दोनों का ही मेरे जीवन में बड़ा महत्व है। मैं पेशे से पत्रकार रहा हूं और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय काम इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने किया है उसकी मैं सराहना करता हूं। और यह सही कहा हमारे अग्रज परमानंद पांडे जी ने, पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित और बेहतर काम करने के लिए, पत्रकारों के वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कराने के लिए जो योगदान IFWJ का है वो रिमार्केबल है। आजादी के बाद खुशी में जैसा पांडे जी ने उल्लेख किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर इसकी नींव रखी, बल्कि पंडित जी ने 100 रुपए का चेक देकर इसकी शुरुआत की और इस संस्था के अध्यक्ष पहले बने चलपति राव जी, जो हमारे यशस्वी जर्नलिस्ट रहे हैं और वो हमेशा हम सबको लगातार आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करते रहेंगे अपने लेखन से, काम से, अपने विजन से, अपनी दृष्टि से। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।